आजकल का युवा खाने पीने पर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से कई बीमारियां उसे घेर लेती है। वैसे तो आजकल का खान पान पूरी तरह से बदल चुका है, जिसकी वजह से भी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही आज हम आपको कई बीमारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो युवाओं में लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल एक विशेषज्ञ ने बताया कि हमारे देश में हर 6 में से एक व्यक्ति आर्थराइटिस से पीड़ित है, और चिंता की बात यह है कि युवाओं में इसके मामले बढ़ रहे हैं। खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस के मामले में इन दिनों जीवन शैली की वजह से वृद्धि दिखाई दे रही है। वैसे तो ये बीमारी ज़्यादा उम्र के लोगों में होती है ऐसा सुना है, लेकिन अब ये नई पीढ़ी में भी लगातार बढ़ गई है और उम्र के साथ इसका खतरा और भी बढ़ जाता है। वहीं डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा देर तक बैठकर काम करना, कम से कम चलना, मोटापा, जंक फूड का सेवन और विटामिन डी की कमी आर्थराइटिस का मुख्य कारण होते हैं। ये कारण आधुनिक जीवन शैली की ही देन है। बता दें कि घुटने की आर्थराइटिस के मामले आम है और इसकी वजह से व्यक्ति को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आर्थराइटिस तब होता है जब ये उपास्थि घिसने लगती है और इसकी तन्यता अर्थात लचीलापन कम होने लगता है। ऐसे में हड्डियों के घर्षण की वजह से गहरा दर्द होता है। इसे रोकने के लिए संयमित खान पान, शारीरिक सक्रियता, व्यायाम आदि पर ध्यान देना चाहिए। वजन कम होने से जोड़ों पर दबाव भी कम पड़ता है। इसके अलावा विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में शरीर को मिलना चाहिए। व्यायाम करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये भी संतुलित हो। ज़रूरत से अधिक व्यायाम करने से जोड़ों पर फिर दबाव पड़ेगा और तकलीफ होगी तथा कॉटलेज का क्षरण बढ़ेगा। व्यायाम हर दिन हो लेकिन संतुलित होना चाहिए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.